वाओ वंडरफुल, ये तो काफी अच्छा नहीं बनना यार, बेइज्जती हो जाएगी यार चांद का ये। ए भाई जी हमारे देखिए क्या कर रहे हैं ये, पता ऐसा लग रहा है सब की आरती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, भगवान को दर्शन को आए। तो देखिए गाइस स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, और इस वक्त अभी मैं अभी जा रहा हूँ अभी मथुरा के लिए, और हमारे साथ अभी कुछ दोस्त लोग भी है। हम लोगों ने एक्चुअली सडनली प्लान बनाया है मथुरा जाने के लिए। एक्चुअली क्या जन्माष्टमी तो आज हो चुका है, बट जन्माष्टमी में एक्चुअली क्या है कि हम इसलिए नहीं गए, सोचे कि वहाँ पे थोड़ा सा रश बहुत ज़्यादा होगा। सो हमने जो हमारी जो ट्रिप है इसीलिए हमने थोड़ा सा इसका जो डे है वो हमने चेंज किया है। तो अभी इस वक्त अभी मैं हूँ आईजी एयरपोर्ट के पास, और अभी हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अक्सर आप सभी लोगों ने तो देखा होगा कि मेरी जितने भी मतलब ट्रिप से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं वो मैं मोटो बाइक से रिलेटेड होते हैं, बट इस बार हम सब लोग एक्चुअली के हम लोग वी आर फाइव पीपल हियर, सो हम पांच छह दोस्त अभी है, तो इतने लोग तो हम एक बाइक में जा नहीं सकते, और बाकी कुछ दोस्तों के पास भी है, लेकिन सोचे चलो इस बार ट्रेन से चलते हैं। तो हमने ऊबर अभी हमने बुक किया था, और अभी हमारे भैया जी भी अभी जा रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो बाकी आगे का नज़ारा हम आपको आगे दिखाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमें काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो चुके हैं। हमारा जो ट्रेन था न्यू दिल्ली से था वो 5:40 पे था, बट यहाँ पे एक मोड़ आता है। मैं इतना सांस क्यों ले रहा हूँ आप समझ सकते हो, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और कुछ कह नहीं सकता यार, सॉरी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा उस मुख्य जो किरदार है ना इसमें, जो बंदा जो लेट करवाने वाला है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसकी, लेकिन हाँ अभी नहीं, ये सस्पेंस में रखे हैं, लास्ट में दिखाएंगे। गाइज हम अभी पहुंच चुके हैं अभी निज़ामुद्दीन प्लेटफॉर्म पे, और हमारी जो ट्रेन है 14212 6 बजे आएंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हो यार कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो प्लेटफॉर्म हम पहुंच चुके हैं, ये हमारी ट्रेन का है 14212, इसी वाले रोड पे ट्रेन आएंगे। गाइज हमारा जो ट्रेन जो डब्बा हमारा जो बॉक्स है हमें जाना है C2 में जाना है। हमें C2 में हमारा जो नंबर है उसमें 62 ऐसे है, उसे हमने लिया था AC चेयर का लिया था हमने, तो आगे हमारा जो अभी सी आगे है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलाता हूँ मैं अपने दोस्तों से, वैसे मैं अकेला नहीं आया हूँ, और भी जितने भी दोस्त आए हैं हम लोग, तो हम आपको उनको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है मेरा अमेरिका का दोस्त, ये अमेरिका से आए अन्ना भाई। वैसे आप कहाँ से आए भर? भाई मैं आया हूँ लुधियाना से। लुधियाना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लुधियाना। अच्छा चलिए, और ये हमारा लक्की भाई है, और ये हमारा विनोद भाई, और ये राजेश भाई, ठीक है। तो हमारे जो गैंग में आज का जो है हम 5 जने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये कलकत्ता से आया हमारा भाई, ठीक है। हम लोग काफ़ी पहले मतलब हम लोग एक साथ पढ़ते थे सब कुछ, तो हमारा भाई जो है कलकत्ता रहने लग गया, इसलिए थोड़ा सा इसका ड्रेसिंग सेंस देखो सारी चीज़, मतलब बंदा ड्रेसिंग एकदम हो चुका है एकदम। सो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो आ चुका है, देखो धीरे धीरे कदमों से भी हमारी जो ट्रेन है वो आ रहा है अभी, काफ़ी सुंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस कुछ ही क्षण देर हम लोग अभी बस चढ़ने वाले, फिर हमारी जो सफ़र है यहाँ से हमारा प्रारंभ होगा, और जो समाप्त होगा वो जाके एकदम सीधा एकदम मथुरा में एकदम।
चुड़की बहुत मजेदार है। तो गाइस हमारा जो ट्रेन है वो यहाँ से निकल चुका है और यहाँ से जो डिस्टेंस है 149 किलोमीटर है और हमें जो टाइम जो लगेगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो IRCTC की जो वेबसाइट है उसमें जो दिख रहा है उसमें 3 घंटे का दिखा रहा है, मतलब 2 घंटे 33 मिनट ऐसे समथिंग है। ठीक, तो गाड़ी तो छूट चुका है यहाँ पे, बाकी हम आपको आगे का नज़ारा और दिखाते हैं। क्या कर रहा है तू? ये देखो मोबाइल, देखो ये क्या कर रहा है? ये मोबाइल के बारे में समझ पा रहा है? अरे ये तू बोल दिख गया यार, तू अपना देखो अब नहीं हुआ, अब होगा यार, ले लो अब होगा, ले भूत होता है क्या? इसका वीडियो बनाओ यार, एक्सपेरिमेंट मत कर। वाओ वंडरफुल, ये तो काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है विनोद, है ना? मेल कर दो यार, अभी मेल करता हूँ आपके कदम से। टिकट है तेरे पास? टिकट है? लिया टिकट तूने? टिकट लिया तूने? अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? मेरे तो बहराइच वाली लैंग्वेज बोला करना, बहराइच वाली लैंग्वेज बोला कर। थोड़ा तेज बोल, आवाज नहीं आ रहा है। हमारे अंकल जी काफी अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, धूप की किरणें साथ ही साथ मालगाड़ी चलते हुए इतना जबरदस्त व्यू है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। देख रहे हो आप, देखिए हमारे विनोद भाई को, देखिए विनोद भाई ठंड लग चुका है, बड़ा ठंड है इसे, मैं इसको एसी में लाना नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा कि इसको पहले कि हाँ इसको स्लीपर में बैठा देते नॉर्मल एसी में बिना एसी वाले में, बट ये बार बार जिद कर रहा भैया मेरे को एसी में बैठना है, एसी में बैठना है। अब इसको ठंड लग गया ना, बात नहीं मानता ये, इसको कितना बार हमने समझाया कि यार तू एसी वाले डब्बे में मत चढ़, फिर भी ये चढ़ जाता है। अच्छा तो आधे दिन में क्यों नहीं टिक पा रहा है? एक बात और, वो जैसे कई सारे लोग पूछते हैं ना कौन है विनोद, कौन है विनोद, कौन है, तो यार आप बताओ कौन है विनोद? ये है विनोद, ये 18 साल का युवा विनोद, यही है वो विनोद, ये काले सेंटर में काम करता है, यही है वो विनोद, काले सेंटर काला काला। बोलिए अपना कॉल सेंटर का पिच बोलिए एक बार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, बोलिए बोलिए पिच बोलिए विनोद, बोल 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 पिच बोलेगा, पिच होता है ना, बोल बोल विनोद से शुरू होता है, हां बोल इसमें देख के बोल। नमस्कार, मैं विनोद कामले, नहीं बोलना यार बेइज्जती हो जाएगी यार, ताल देगा ये एयरटेल में आपका हार्दिक, अरे नहीं डालूंगा तू बोल तो सही। नमस्कार, मैं संदीप जी से बोल रही हूं, नहीं बेइज्जती करा देता वो कहा गया विनोद वॉशरूम गया है, ये आ गया हमारा लड़का विनोद, कहाँ गया था वे? उधर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है कहाँ पे? एसी के बाहर गए, ऑक्सीजन नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं है बताओ, मतलब क्या तुझे, मतलब तू क्या पहाड़ों में चल रहा है क्या? ट्रेन कहीं पहाड़ों यार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि जैसे हमें, मतलब कौन से बंदे के लिए हमें लेट हो गए थे, हम जहाँ वैसे
हमारा जो ट्रेन था मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि न्यू दिल्ली से था, बट हम लेट हो गए। लेट होने के कारण से हमने क्या किया, जो कैब में बैठे थे उनको बताया था हमने कि भैया आप निज़ामुद्दीन लेके चलो, क्योंकि निज़ामुद्दीन में क्या है इंटरसिटी जो है वो 6 बजे यहाँ पे पहुँच जाता है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम और मिल गया था, तो उसी वजह से हमने बस क्या है कि हमें मिल चुका ये ट्रेन। और लेट होने का जो सबसे बड़ा इसमें जो किरदार जिसने निभाया ना अच्छे मतलब बखूबी तरीके से, वो बंदा जानते कौन है, वही है ये विनोद कौर है, यही है ये बंदा, यही है वो बंदा, इसीलिए हम तो मार डाल रहे हैं इसके अंदर कुछ। विनोद कौन है विनोद? ये देख लो ये हमने लेट कर दिया भाई, क्या सजा देना चाहोगे? सजा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ ये है कि तू बस मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग, जितने जो लोग देख रहे हैं ना उनको अपना वो बोल दे, क्या बोल दे, स्किप बोल दे, बोल अपना मुंह खोल। देखो भैया कोई गलत नहीं, लेकिन ये गलती आप लोग ना कहियो, वो देखा गया वो जो एक चैनल वाला का 100 लाइक कर दो, और देखो बगल में देखो लाल बटन है जो टुक टुक जरूरत है ना उसको दबाए दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भैया? हाँ और बाद में दबाई दे भाई, और बताओ आगे का कि हैं बताओ का गए ना, सन्नाटा काहे को है भैया? सन्नाटा होई को भैया, अरे बेलवा आइकन दबाओ। हाँ भैया वो जो बेल आइकन है ना जो बगल में गुनगुनात है उसका दबाए दियो भैया। गुनगुनात गुनगुनात इस उतरने का टाइम हो चुका है। देखिए यात्रीगण अपने अपने पोजीशन पे स्टैंड अप हो चुके हैं। देखिए यात्रीगण ट्रेन बोल के बस में बैठा दिया, वो उल्टा चल रहा है, उसको डालो ना उतना नहीं हो रहा, थोड़ा सा रखो। गाइस मथुरा जो जंक्शन है बस अभी हम लोग 1-2 मिनट में भी पहुंचने वाले हैं जंक्शन, तो बहुत होगी मौज मस्ती। तो आगे हमारा जो प्लान है अभी देखते हैं कहाँ पहुँचने में। सो गाइस हम ट्रेन से बाहर आ चुके हैं और अभी हमें जाना है स्टेशन से बाहर। देख रहे हो आप कितना भीड़ है यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ है मतलब आज मतलब जन्माष्टमी ख़त्म हुआ है ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। भीड़ लोग मतलब कैसे कैसे यहाँ पे सोए हुए हैं। और अगर हमने अच्छा कि हम कल नहीं आए थे, अगर कल आते तो फिर तो हमारा मतलब पता नहीं क्या होता। और ऐसे भी अभी रिसेंटली भी सुनने पता चला था कि मतलब यहाँ पे बागेश्वरी में यहाँ पे कहीं पे वो हुआ था, 2 बंदे मतलब मर गए। सो गाइस मथुरा स्टेशन से हम अभी आ चुके हैं, अभी 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के, और आए हम यहाँ पे एक बार चेक करने के। यहाँ पे राधा कृष्ण प्लेस एक होटल है, हाँ राधा कृष्ण पैलेस में भी यहाँ पे हम अभी आए हैं। देखते हैं यहाँ पे आज रात को तो हमें ठहरना होगा, क्योंकि प्रेम मंदिर जो है वो रात को 8 बजे तक वो क्लोज हो जाता है, तो आज रात को तो हमें यहाँ पे स्टे करना है। देन उसके बाद फिर हम कल हमें देखते हैं आसपास में जहाँ जो भी घूमने लायक जो जगह होगा वहाँ पे हम चलेंगे। सो गाइस अभी हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, बट क्या है कि मतलब यहाँ पे ना होटल हमने काफ़ी ढूंढा, यहाँ पे होटल ढूंढ ढूंढ के परेशान हुए, और जहाँ पे भी जा रहे हैं मतलब हमारे उस मतलब हम मतलब जिस तरीके का ढूंढना चाह रहे हैं ना उस तरीके का मतलब मिल नहीं रहा। तो एक जगह वैसे ढूंढा था तो वहाँ पे 1800 रुपये उसका मतलब एक वन नाइट का 1800 रुपये बता रहे थे, ठीक है मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे देखा जाए तो मतलब सब ठीक है, ठीक है 2 बेड लगे हुए थे, बाकी भी हम यहाँ से खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे भी रुके भी अभी बाबा जो खाना है दोस्तों वो आ चुका है यहाँ पे, बाकी हमारे भाई लोग ये सब भूखे पड़े हुए, ये तो इसका तो पूरा हाल एकदम मतलब ख़त्म हो गया, इसका भूख से बेचारा परेशान है। कितने बजे खा लेता था भाई? कितने बजे खा लेते थे रोज घर पे? 10 बजे ना, आज तो लेट हो गए, तो मैं
कितना हो गया 10-45 हो गए। छोटे तेरे को तो बहुत भूख लगा है हाँ? और चला गया यार। लकी भाई तुम कितने बजे खाते हो रोज रात को, कितने बजे खाना खाते हो? 10 बजे। तो आज तो आप 43 मिनट आप लेट हो गया हैं, कैसा लग रहा है आपको? भाई जी हमारे देखिए क्या कर रही है, पता हमको ऐसा लग रहा है सब आरती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, भगवान को दर्शन हुआ है। तो देखिए हमारा ये खाना चिकन हमने मंगवाया है थाली, जो कि 140 रुपए का है बाबा दे ढाबा में। तो इसमें चार रोटी है, अभी दो इन्होंने दिया है, बाकी भी कुछ है वो अभी ला के देंगे। खाना खा लेते अभी यहाँ से, खाना खाने के बाद फिर हम चलते हैं होटल में, फिर आपको होटल हम आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पे स्टे किया था। तो भाई हम आ चुके हैं अपने होटल में। होटल यार एक्चुअली क्या है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हमने ढूंढा। एक्चुअली हम लोगों को क्या हुआ था दोस्तों यार कि थोड़ा ना लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि एक जगह हमने देखा था पहले तो वहाँ पे 1800 रुपये बोल रहे थे वो, तो सोचा कि थोड़ा सा कि मतलब हम थोड़ा और दो चार जगह देख लेते क्या पता सस्ता मिल जाए थोड़ा। और फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, उसका ढूंढे जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ वहाँ, तो भैया सब बोल रहे कि भैया रूम तो पूरा सब बुक हो चुके हैं, आप लोग पहले से क्यों नहीं बुक करवा के गए? तो मतलब वही है कि मतलब पहले सोच रहे थे थोड़ा कुछ सस्ता और मिल जाए, बाद में पता चला फिर वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने क्या किया, फिर भाई एक जगह ऐसे जगह पे आ गए, अब मतलब नॉन एसी है, एसी हम ढूंढ रहे थे बट नॉन एसी ही मिला, वो भी एक ऑटो वाला भैया को बोला, काफ़ी बोलने के बाद 3-4 जगह उन्होंने उन्होंने 3-4 जगह दिखाया, तब जाके यहाँ एक जगह हमें मिला है। तो यहाँ वैसे बस खाली एक कूलर है और एक रूम है, बाकी बस हम ही लोग हैं अभी यहाँ पे। तो आज वही वैसे भी हम सोच रहे 5-6 घंटे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, तो क्या फिर इतना मतलब फालतू में। फिर वैसे तो ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि चलिए और दिखाते अगर आपको यहाँ पसंद ना हो, लेकिन अभी क्या कि एक्चुअली आप देख रहे हो रात अभी 12:21 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आधा रात को हमारा बीत चुका है और 6 बजे हमें फिर निकलना है। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पे आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो अगर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये रूम इस तरीके का है कुछ, हमारे तीनों भाई लोग सो गए और ये हमारा छोटू है, देखिए नंगे हो गए पूरा, देख रहे हो। छोटू के लिए अलग हमने गद्दा बिछाया क्योंकि ये ना परेशान बहुत करता है, रात को लात मारता है इसको उठ उठ के। तो इसी चक्कर में हमने क्या किया, इसके लिए हमने होटल का जो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उनको बताया कि भैया आप इसके लिए अलग गद्दा बिछाइए।